अभी तक हमने जितनी सारी चीज़ें देखी हैं, स्कैन एफ, उसके बाद है प्रिंट एफ, वेरिएबल का वैल्यू असाइन करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक्स हैं। मतलब एक छोटे से छोटे प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमने देख लिया ऑलरेडी। अब जो हमारा मेन प्रोग्राम है जो स्टार्ट होगा, वो हम ऑपरेटर से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो होगा, हम ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद ऑपरेटर, हम रियल जो प्रोग्राम होता है, जिस तरीके जो हमें असाइनमेंट मिलता है कॉलेज हो गए, हमारे टीचर्स जो देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अब जो है मेन, जो यहाँ पे हम ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनका जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो टाइप्स हो गया, क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जैसे जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर बस एक इक्वल का साइन, मतलब एक का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में देना, चाहे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू तीसरे वेरिएबल में असाइन करना, तो ये सारी चीज़ें असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू होता है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे जो होता है, ये हम इसको यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है किसी एक वेरिएबल के लिए हम अप्लाई करेंगे। इसके दो टाइप्स हैं, एक है प्रीफिक्स और एक है पोस्ट फिक्स। ये सारी जो सारे ऑपरेटर हैं हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है दो वेरिएबल हो गया, दो वैल्यूज़ हो गए, और उनको कंपेयर करके उनका जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे वैल्यू या जो भी डिसीजन होता है लेता है। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड है, और है, नॉट है, तो वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में आता है। उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं।